कोविड-19 इस मुतादी बीमारी की जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में और इस वक्त हमारे इस मुल्क में भी, वो सब हमारे सामने है। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन टीका लगाने का इस वक्त ये अमल जारी है। हमारे तमाम मर्द और ख़वातीन से हमारी गुजारिश है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अव्वलिन फुर्सत में ये टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो, जोड़ों में दर्द हो, या जहाँ पे ये टीका लगवाया जा रहा है उस जगह पे आपको कुछ थोड़ा सा दर्द हो या थोड़ा सा बुखार आए, लेकिन पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने और ये रिसर्च करने वालों ने ये बताया, बल्कि उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़ करके ये टीका लगाया है और ये बताया है कि इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अव्वलिन फुर्सत में इस वक्त के जो हालात हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त टीका आपको लगाया जा रहा है, इंजेक्शन लगवाया जा रहा है, इसीलिए इस मौके को गनीमत समझते हुए आप आएँ। बिल्कुल इस सिलसिले में किसी भी तरह का की तरह की जो है आपको मनफी सोच, नेगेटिव थिंकिंग या जो है तजब्सुब का के आप शिकार ना हो, बल्कि हमारी मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से मैं आपसे गुजारिश करते हैं, हमारे तमाम भटकल वासियों से, यहाँ के जो भटकल में जितने हमारे रहने वाले हैं, हमारे यहाँ के जो अफराद मर्द और ख़वातीन से, चाहे जिनका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, तो सबसे हमारे गुजारिश है कि अव्वलिन फुर्सत में आकर के इस जो सहूलत यहाँ पे इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुहैया की गई है उससे आप फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त के जो गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमत कर्नाटका की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो ऑर्डर जारी किया गया है कोविड-19 के सिलसिले में, तो जो आज से जो है कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया है, तो इस सिलसिले में उसका पूरा पालन करें और इस सिलसिले में जो है हमेशा आप जब भी बाहर घर से निकलें ज़रूरी काम के लिए तो मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और गैर ज़रूरी आप घर से बिल्कुल इन दिनों में बाहर न निकलें। हमें उम्मीद है कि जो हमारे मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से हमने आपसे जो गुजारिश की है अवामुन्नास से कि वो अव्वलिन फुर्सत में आकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आकर जो है वो इस जो सहूलत मुहैया की गई है टीका लगवाने की, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत कर्नाटका की तरफ से जो जवाबित और जो बातें बताई गई हैं कोविड-19 को कंटेन करने के सिलसिले में, उस पर पूरा अमल करेंगे।